अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX Mentor। मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ क्लास नंबर 5 ऑफ हमारी Adobe Premiere Pro Advanced वाली, और आज हम देखेंगे कंपैरिजन व्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंपैरिजन व्यू है, इट हैज नथिंग टू डू विद कलर ग्रेडिंग, बट ये कलर ग्रेडिंग में काम आएगा। कंपैरिजन व्यू एक ऐसा व्यू है जो कि आपकी स्क्रीन पर आपकी वीडियो को स्प्लिट करके दिखा देगा, और आप अपने एक शॉट को दूसरे शॉट से मैच करना चाह रहे हैं, चाहे वो इफेक्ट में हो, चाहे वो कलर्स में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, तो उस लिए काम आता है। बहुत छोटी सी क्लास होगी, जल्दी से आपको दिखाता हूँ कि कंपैरिजन व्यू है क्या। अच्छा जी, यहाँ अगर आप देखें, मेरी पिछली ही एक वीडियो का छोटा सा क्लिप रखा हुआ है, इस पर कोई कलर ग्रेडिंग नहीं हुई। मैं इसमें आपको कंपैरिजन व्यू दिखाना चाहूँगा। कंपैरिजन व्यू कहाँ होता है? ये जो आपकी प्रोग्राम विंडो है, यहाँ नीचे आपको बहुत सारे बटन्स दिख रहे हैं। ये वाला बटन, इसका चेहरा याद रखिएगा, माउस ओवर करने पर दिख जाता है कि जी कंपैरिजन व्यू है। एंड अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको आपकी वीडियो को स्प्लिट करके दो स्क्रीन्स में दिखा रहा है। नाउ ये स्प्लिट में अगर आप गौर से देखें तो यहाँ लेफ्ट साइड पर एक आपका प्ले हेड आपको दिया हुआ है, आप आगे पीछे देख सकते हैं किस फ्रेम से किस फ्रेम को कंपेयर करना है। नाउ एज सच तो इसमें कोई इतना काम का कुछ भी नहीं दिख रहा। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस वक्त आप क्लिक करते हैं उस वक्त जो भी इस पर इफेक्ट लगा हुआ है, वहाँ से आगे का कंपैरिजन आप देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लेवल्स वगैरह ये इसके कर्व्स चेंज कर दिए हैं, और अब मैं अगर कंपैरिजन व्यू में जाता हूँ तो आपको वही इफेक्ट लगा हुआ दिख रहा होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं सारे इफेक्ट हटा देता हूँ, इवन ये ल्यूमेट्री यहाँ से हटा देता हूँ, और अब अगर मैं कंपैरिजन व्यू में जाता हूँ तो ज़ाहिर है जो पोजीशन थी या जो कंडीशन थी मेरी क्लिप की, वही दिखा रहा होगा। अब अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये दोनों में ही दिखा रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैं उसी क्लिप पर मौजूद हूँ जिस क्लिप से कंपेयर कर रहा हूँ। तो फ़ायदा क्या हुआ इसका? एक बटन आपने और ऑन करना है, और वो क्या है? मैं इसका कंपैरिजन व्यू ख़त्म कर रहा हूँ, मैं यहाँ से ल्यूमेट्री हटा रहा हूँ, और अब मैं दोबारा कंपैरिजन व्यू में आकर एक और बटन प्रेस करूँगा, ये वाला। नाउ ये वाला क्या है? शॉट और फ्रेम कंपैरिजन। सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो दो स्क्रीन्स आपको दिख रही हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगी एक स्क्रीन में। मतलब एक स्क्रीन में अभी कन्वर्ट नहीं हुई है, ये दिखा आपको दो ही रहा है, लेकिन आप जो भी चेंज करेंगे वो आपको राइट साइड वाले में चेंज दिख रहा होगा। दैट मीन्स कि आप जब अपने कंपैरिजन व्यू में आए थे, उससे पहले ये कंडीशन थी, अब ये कंडीशन है। नाउ इसको और अच्छा सा कंपेयर करने के लिए आई वुड रिकमेंड कि यहाँ राइट साइड पर आ जाएं। यहाँ सेंटर में देख रहे हैं आपके पास तीन और बटन्स दिए हुए। सो ये साइड बाय साइड है, ये वर्टिकल स्प्लिट है, और ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है। सो अगर मैं वर्टिकल स्प्लिट करता हूँ तो अब मुझे एक ही फ्रेम दिखा रहा होगा, और बिफोर एंड आफ्टर लेफ्ट एंड राइट पर आपको दिखा रहा होगा। सो आप जो भी चेंज करते हैं वो आपको ईजीली कंपेयर करने में आसानी रहती है। तो जैसे मैंने कहा था कि आप इस पर सिर्फ कलर्स की चीज़ें नहीं, आप इनफैक्ट कोई इफेक्ट भी लगा के देख लें। सो फॉर एग्जांपल, मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ और मैं यहाँ से ब्लर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लर। और ये सारे याद रखिएगा, ये जो ब्लर्स हैं ये प्रीसेट्स में मत जाइएगा। नीचे यहाँ देखें, वीडियो इफेक्ट्स में आपके पास ब्लर्स आ रहे हैं सारे। तो मैं यहाँ से डायरेक्शनल ब्लर ले रहा हूँ और अपनी इस वीडियो पर अप्लाई कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं ब्लर लेंथ बढ़ाता हूँ तो आपको इफेक्ट दिख रहा है करंट वाले में। लेफ्ट साइड पे याद रखिएगा बिफोर है, और राइट साइड पे आफ्टर। इनफैक्ट यहाँ लिखा हुआ भी है। सो यहाँ देखें, यहाँ बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे आफ्टर लिखा हुआ है। इस कंपैरिजन व्यू का फायदा यह है कि आप जो भी चेंजेस ला रहे हैं उससे आप कंपेयर करके देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल, मैं कंपैरिजन व्यू से बाहर आ जाता हूँ, अब ये पूरी वीडियो पर मेरा इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। सो अब अगर मैं कंपैरिजन व्यू में दोबारा जाता हूँ तो ऐसा सच कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज करता हूँ ब्लर की, तो अब आपको डिफरेंस फील हो रहा होगा। हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं? हम इसको स्पेशली कलर ग्रेडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो हमने सिंपली ये किया कि कंपैरिजन व्यू में गए और यहाँ से मैंने चेंज करना शुरू किया, और मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ अपनी तमाम तर चीज़ें, और मैं कंपेयर करता रहूँगा कि जी मेरा पहले कैसा था इफ़ेक्ट और अब कैसा है। इट्स वेरी इजी, आप जो चाहें जिस तरह की चीज़ें चाहें इसमें करके देख सकते हैं।
ना ज़रूरी नहीं है कि ये आप स्प्लिट इतना ही रखें, आप अगर इस ब्लू लाइन पर माउस लेकर आते हैं तो यहाँ से आप इस एरिया को चेंज करके भी देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी, राइट? और आप इवन चाहें तो स्प्लिट कर लें हॉरिजॉन्टल, ये भी हो सकता है। सो अब आपको ये हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में दिखा रहा है, सो नीचे और ऊपर। हाँ, अब अगर आप चाह रहे हैं नीचे मुझे ऊपर वाला चेंज दिखे और नीचे वाला पुराना दिखे, तो यहाँ नीचे एक और बटन दिया हुआ स्वैप साइड्स, ये कर दें, ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा ये सब में है स्वैप साइड्स, ठीक है? बिफोर यहाँ बाय डिफॉल्ट ये होता है बिफोर एंड आफ्टर, और अगर आप स्वैप कर दें तो आप आफ्टर एंड बिफोर भी कर सकते हैं। आई होप ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कलर व्हील एंड कलर मैच, इसमें बहुत मज़ेदार किस्म की चीज़ें हम करने वाले हैं। सो अगली वीडियो मिस मत कीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।